हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव लैंडेड एट गुवाहाटी एयरपोर्ट और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि अब हम यहाँ से घूमने जाएंगे। सो विद अ स्लीपलेस नाइट और सो मच एक्साइटमेंट टू रोम अराउंड, मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अभी। और अभी हम, वैसे तो हमने सोचा है कि हम कामाख्या जाएंगे। लेट्स सी। गाइज, आज हम जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है असम का। नॉट ओनली इन असम बट ऑल ओवर इंडिया ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे माता सती का हमारा वलवा वाला पार्ट गिरा था, तो बेसिकली यहाँ पे जो पूजा होती है वो फीमेल जेनाइटल की होती है। ये कामाख्या इज़ वन ऑफ द पिंड ऑफ माता सती, ऑल्सो नोन एज पार्वती, ऑल्सो नोन एज कामाख्या देवी। तो यहाँ आज हम जा रहे हैं। तो जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, बोलते हैं कि कुछ मंथ्स में वहाँ पे ऐसे रेड स्ट्रीम ऑफ ब्लड भी देखने को मिलता है, जून के मंथ में तो हो जाता है, अपना कलर चेंज करता है। सो गॉड नोज। तो अभी हम जा रहे हैं देखते हैं। तो पहले हम जनरल क्यू में जाके देखते हैं, अगर जनरल क्यू में मिल जाते हैं तो सही है, वरना VIP एंट्री लेंगे। तो ये हमारा मेन कामाख्या टेम्पल है, अब हम चलते हैं यार। ये हमारा प्रसाद है। ये इनको हिबिस्कस से सजा रहे हैं। तो गाइज, मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं हमें और अब हम जा रहे हैं एक बार मंदिर का राउंड काटने। सही था, बहुत बहुत भीड़ है, जस्ट लाइक एवरी मंदिर। नो चिल्स। ओ भाई साहब, हम कामाख्या देवी के दर्शन करके आ चुके हैं और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ की खासियत के बारे में। जो हमारा कामाख्या देवी है, ये 51 में से एक मेन सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ बोलते हैं जब सती माता ने अपना देह त्यागा था तो शिव जी उनको उठा के ले जा रहे थे, तो विष्णु जी ने सोचा कि कहीं शिव जी प्रलय ना ले आए, इसलिए उन्होंने उनके 51 भाग कर दिए, यानी 51 भाग कर दिए अपने सुदर्शन चक्र से। तो जो उनका एक योनि यानी जेनाइटल पार्ट का जो अंग गिरा था यहाँ पे, वो उसको सिद्धपीठ बोलते हैं। तो ये कामाख्या देवी उस चीज़ का सिद्धपीठ है। तो यहाँ हमारे कामाख्या देवी मंदिर में
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पूजा करी जाती है और कहा जाता है कि साल में एक बार जून के महीने में ऐसा मानना है कि जब देवी मेंस्ट्रुएट करती है तो वो हमें ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलता है। हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है 3 दिन के लिए और ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ का मान्यता है। काफ़ी लोग का ये भी मानना है कि यहाँ जो पंडित जी हैं वो लोग नदी में रंग मिला देते हैं, तो वो अब अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि आपका कैसा मानना है। और हमारा यहाँ का विज़िट बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा था, पीसफुल है। ये है कि ये तो हर मंदिर में होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे 3 लाइन है, एक है नॉर्मल जनरल क्यू, एक लाइन है VIP वाला जिसमें आप 500 रुपीज़ दे के लाइन पर लग सकते हैं। उसका स्लॉट 2 बार खुलता है, एक बार सुबह एक बार 11 बजे। हमने तो नॉर्मल जनरल क्यू से दर्शन करे हैं और जो तीसरी क्यू है वो ऐसे मंदिर के साइड से जाती है और आपका मतलब जैसी आपकी श्रद्धा है आप बाहर से भी पूजा कर सकते हो, अंदर बैठ के भी कर सकते हो। काफ़ी लोग तो ऐसे ही बाहर से ही घूम के भी चले जा रहे हैं, तो बस यही है। और ये हाँ, यहाँ की एक और खासियत है कि ये तंत्र विद्या के लिए बहुत फेमस है। यहाँ जो मतलब बोलते हैं कि जो भी साधु बाबा और जैसे अघोरी बाबा होते हैं वो लोग अगर अपना असली में तंत्र विद्या का प्राप्ति चाहते हैं तो कामाख्या देवी आए बिना उनकी तंत्र विद्या सफल नहीं होती है, तो यहाँ का वो भी मान्यता है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे तेजपुर की तरफ और हमारा कामाख्या देवी का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू गिव अ थम्स अप एंड